दबंगई उन लोगों की चलेगी कि दिन दहाड़े जहां मन तहां कचरा फेंक। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप भी देखिए कि इस आरा नगर निगम की जनता की रास्ते से आप कहां जाते हैं? गांव बेगमपुर खलाउन सिंह की जमीन है नीचे में, वो अपना गिरवा रहे हैं भरने के लिए। अब उन लोगों का भाई राज है तो कौन बोलेगा? गलत है, एकदम गलत है इस तरह। और आरा एक एजुकेशन का हब बनते जा रहा है, और आरा को आप कैसे बर्बाद कर रहे हैं, उस पैसे को किस तरीके से आप लोगों ने इस बांध पर बर्बाद करके रखा है। बड़े बड़े महंगे बंगलों में रहने वाले, जरा आप इन तस्वीरों को देखिए कि ये तस्वीर उस चलित शौचालय की तस्वीर है, और आरा नगर निगम के वर्तमान में या पूर्व में हो उनकी करप्शन की ये पहचान है। जो घर में बैठे हैं आप अपने एसी और पंखों में आँख खोल कर और कान से सुनिए और आँख से देखिए, ये वो चलित शौचालय है जो यहाँ के लोगों के लाखों रुपया से, एक चलित शौचालय का कीमत करीब करीब 15 से 20 लाख यानी 10 से 20 के अंदर में एक चलित शौचालय आता है। ये देखिए ये सज्जन शौचालय कर रहे हैं, आप इधर आइए, कर रहे हैं लेकिन ये बाहर कर रहे हैं, ये सही नहीं है। चलित शौचालय इसी तरीके से फेंका गया है, यानी आपका और मेरा पैसा इस तरीके से उसको मिसयूज किया गया है आरा नगर निगम के लोगों के द्वारा। जो वर्तमान में है उनकी तो जिम्मेवारी बनती थी कि आखिर ये सब क्यों हुआ है, इस पर जांच बैठा है, और वो जो लोग इस तरीके से करप्शन किए हुए हैं इस चलित शौचालय में उनके ऊपर कार्रवाई करें। और चलित शौचालय तो छोड़िए, यहाँ कचरा देखिए, ये प्लास्टिक का वेस्ट है और ऐसे ही खुले में इसको रखा गया है। और उस तरफ देखिए, यहाँ पे बाज़ार लगता है, वहाँ पे लोग सुबह सुबह बाज़ार लगता है, और यहाँ पे देखिए यहाँ से मात्र 100 कदम की दूरी पे वो मंदिर दिखाई दे रहा है, और 100 कदम की दूरी पे कचरा का डंपिंग यार्ड इस बांध पे बनाया गया है। तो आरा नगर निगम के जो अधिकारी हैं, मैं बार बार आरा नगर निगम की वो करप्शन की तस्वीरों को दिखा रहा हूँ, और इसलिए दिखा रहा हूँ और दिखाता रहूँगा मैं, क्योंकि ना तो मैं किसी से डरता हूँ और ना ही किसी का खौफ है मुझे। मेरा जो काम है वो मैं दिखाऊंगा, आपको जो सोचना है सोचिए और जो समझना है समझिए, लेकिन आरा की जो जनता है वो इन तस्वीरों को देखिए, क्योंकि आरा एक ऐसा शहर है जहां पर आज एजुकेशन का हब इतना बनते जा रहा है कि आसपास के गांव के जो बच्चे हैं, यानी पढ़ने वाले जो बच्चे और बच्चियाँ हैं, वो आरा में आकर रेंट पर रूम लेके रहते हैं। आज आरा का एजुकेशन सिस्टम इस कदर बढ़ चुका है कि यहाँ पे ज़मीन की जब बात करते हैं तो ज़मीन भी काफ़ी महंगाई पर यहाँ पर बिकती है। और उस आरा में यहाँ के जो मेयर हैं चुनाव के समय में जनता के बीच में जाते हैं और जनता से वोट मांगते हैं, और वोट मांगने के बाद जो करप्शन करते हैं उसकी खुलेआम तस्वीर आप देखिए। लेकिन यहाँ के कुछ लोग भी हैं, उनसे हम पूछ लेते हैं एक दो बात कि आप लोग इधर से जाते हैं, चचा रुक जाइए, आप लोग इधर से जाते हैं तो ये जो कचरा फेंका गया है वैसे ही प्लास्टिक बदबू तो मारता होगा, यहाँ पे बाजार लगता है जी? हाँ हम आता है। इस रास्ते से आप कहाँ जाते हैं? गांव है बेगमपुर। बेगमपुर कितना दूर है यहाँ से? आधा घंटा लगेगा। यही एक रास्ता है कि कोई और रास्ता है जाने का? ना ना, चारों पट्टी से रास्ता है। आपका घर कहाँ पे हुआ? चौक पे हुआ। चौक पे, तो इधर तो आते होंगे आप, क्योंकि चौक से तो ज्यादा दूर ये नहीं है। नहीं, तो ये देखिए ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, चलित शौचालय, लाखों का शौचालय है, कचरा ऐसे ही खुलेआम फेंका जा रहा है, जबकि कचरा फेंक के उसके ऊपर मिट्टी डाला जाता है ताकि एक प्लास्टिक का है ये जल्दी डिस्पोज यानी ख़त्म नहीं होगा, तो आने वाले समय में कई बीमारियों को दस्तक देगा। दस्तक इसलिए देगा ताकि यहाँ पे बाज़ार लगता है और बाज़ार में सब्जी बिकता है, यानी दूध छेना के लोग लाकर बेचते हैं, उस पर यहाँ से मक्खियाँ उड़ के जाकर बैठेंगे उस पर, और सोचिए खाने वाला सामान बिकता है यहाँ पर, तो इसके खिलाफ आप लोग आवाज़, मतलब कहीं आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं किसी को? अरे किसी को, सबको तो देख ही रहा है। आप भी रुकिए, आपसे भी पूछ लेते हैं कि आप भी इधर से आ रहे हैं, रुकिए आपसे पूछ लेते हैं, आप इधर से आ रहे हैं तो इसी रास्ते से हमेशा जाते हैं जी? तो ये कचरा फेंका गया है यहाँ पे, इसके विरोध में आप लोग किसी को बोलते नहीं? यहाँ पे छेना बेचा जाता है, दूध बेचा जाता है, सब्जी बेचा जाता है, सब चीज़ बेचा जाता है बगल में ही, जो जिसका जमीन है वो अपना गिरवा रहा है। ये तो नहर है ना, नहर किसी का बाप का जमीन थोड़ी है नहर। नीचे में जमीन है वो अपना गिरवा रहे हैं भरने के लिए। तो जमीन नहर पे गिराया गया है ना, देखिए ना, नहर पे फेंका गया, गिराया हुआ है। बाकी अपना जो बाबूराम खलाउन सिंह की जमीन है नीचे में, वो अपना गिरवा रहे हैं भरने के लिए। अपना दबंगई उन लोगों की चलेगी कि दिन दहाड़े जहां मन तहां कचरा फेंका। अब उन लोगों का भाई राज है तो कौन बोलेगा? उन लोगों का राज है, तो आप क्या कहना चाह रहे थे चाचा? इस तरीके का है तो ये सरासर गलत है कि नहीं है? इस तरीके से फेंकना चाहिए? एकदम गलत है,
एकदम गलत है। इस तरीके से हम लोग आते हैं जाते हैं, बदबू मारता है पूरा। और बदबू तो छोड़िए, यहाँ पे क्योंकि हम लोग हिंदू धर्म में विश्वास रखते हैं और यहाँ पे बगल में ही मंदिर है, मंदिर में लोग सुबह सुबह मन को साफ करने के लिए और शांति के लिए यहाँ पे आते हैं, और आते होंगे तो कचरा बीमारी को लेकर घर जाएंगे, यहाँ पे घर जाएंगे, बीमारी को लेकर घर जाएंगे। भैया आपका भी घर इसी रास्ते में पड़ता है, यहीं पे आप लोग आते हैं, रोज आते हैं यहाँ पे? हाँ। क्या काम करते हैं आप? यहीं बगल में घर है। घर तो यहाँ पे है, लेकिन काम क्या करते हैं आप? दुकान है। दुकान चलाते हैं? हाँ। लेकिन दुकान चलाते हैं, आसपास में और दुकानें चलती हैं, सब्जी की दुकान लगती है, बाकी जो लोग जो हैं ग्वाला लोग वो यहाँ पे अपना छेना लेकर आते हैं, बेचते हैं, लेकिन कचरा यहाँ पे दिखे, कचरा तो इतना है कि माने बदबू से तो आदमी त्राहिमाम हो जाता है। अभी भी देखिए कितना बदबू दे रहा है, लेकिन क्या किया जाए। इसके खिलाफ यहाँ पे बगल में दुकान चलाते हैं तो आवाज़ क्यों उठाते हैं? कौन आवाज़ उठाएगा? कोई है यहाँ कोई खोज खबर करने वाला है? गाड़ी वाला भी आता है यहीं डाल कर चल जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, जो जिसको मर्जी आता है वो करता है, जिसको जो क्या बोल रहे हैं चाचा आप? ये सब तो नगर आयुक्त को चाहिए। नगर आयुक्त को तो चाहिए ये सब कचरा। नगर आयुक्त जिम्मेवारी अपनी निभा नहीं रहे हैं, भले ही वर्तमान को या पूर्व में जो भी नगर आयुक्त रहा हो या जो भी मेयर रहा हो, जिम्मेवारी तो उनकी बनती थी। ये सब तो मेयर लोग को और वार्ड कमिश्नर जो यहाँ का है हुआ वो लोग मेयर का है, वो सब लोग की जिम्मेवारी है कि लोग देखना चाहिए कहाँ कहाँ कचरा। देखिए आरा के नगर निगम के नगर आयुक्त और आरा नगर निगम के मेयर, ज़रा आप आँख खोल के अपने एसी वाले कमरों से इन तस्वीर को देखिए। आप यहाँ पे नहीं आ सकते हैं, आप समय नहीं दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोग कचड़े के इस ढेर के आसपास में अपनी जीवन चर्या है, अपनी जो जीवन है उसको बिता रहे हैं। अगर ये कचड़ा आपके दरवाजे पर लाकर अगर आपके दरवाजे के आसपास अगर फेंक दिया जाए तो सोचिए आप कितना आग बबूला हो उठेंगे। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो दिन यानी कि कई सालों से इस कचड़े के साथ ही यहाँ पे आती है और यहाँ पे अपने जो दुकान है वो यहाँ पे दुकान चलाते हैं, और अपने दुकान चलाने के साथ वो शाम को अपने घर जाते हैं। लेकिन शाम को कई बीमारियों को आने वाले समय में दस्तक दे सकती है उनके जीवन में, उसको घर लेकर जा रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से सुनिए और देखिए कि क्या हालत आरा नगर निगम के लोगों ने कर दिया है यहाँ के लोगों के साथ में। और आरा एक एजुकेशन का हब बनते जा रहा है, और आरा को आप कैसे बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि आपको लूटने और करप्शन करने से फुर्सत ही नहीं है आरा के वर्तमान या पूर्व में जो मेयर हो, क्योंकि आप लोग को ठेकेदारी से फुर्सत ही नहीं है कि आप लोग इन जैसे चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। और ये जनता का पैसा था, आप अपने घर से ये चलित शौचालय नहीं लगवाए थे, क्योंकि ये जनता का टैक्स से जो पैसा जाता है उस पैसे से विकास के नाम पे फंडिंग होता है, और उस पैसे को किस तरीके से आप लोगों ने इस बांध पर बर्बाद करके रखा है, ज़रा इस तस्वीर को देखिए और आप सोचिए कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर आपके साथ अगर आपके पैसे के साथ अगर कोई इस तरीके से धोखाधड़ी करे, अगर आपका पैसा कोई लेके अगर नहीं आपका पैसा वापस नहीं करे, तो आप लोग आँख बबूला गोलियां चलाने के लिए आप लोग बाहर निकल कर आइएगा अपने बंगलों से। लेकिन ज़रा इसको आप ध्यान से देखिए, और ये मेरा प्रयास कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि जो बैठे हुए हैं, जो कान बंद करके और आँख बंद करके बैठे अपने कमरों में, उन तक ये वीडियो जाए। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप भी देखिए कि इस आरा नगर निगम की जनता की क्या हाल है, और ये तस्वीर देखिए, जब हम वीडियो बना रहे हैं तो यहाँ के लोग आ गए हैं और बता रहे हैं कि आखिर आरा का क्या हाल यहाँ के लोगों ने करके रखा, आखिर नगर आयुक्त हो या नगर के मेयर हो। जय हिंद।